नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। खबरों में हम बात करते हैं जनपद उन्नाव के, जहां आज बंगरमऊ कोतवाली के मोहल्ले गुलाम मुस्तफा में दिन दहाड़े 12 लाख रुपए की लूट की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। हरदोई रोड पर सुभाष इंटर कॉलेज के सामने पीड़ित नूर मोहम्मद की गवर्नमेंट्स के नाम से दुकान को चोरों ने खुद को रफीपुर कोतवाली क्षेत्र के गाँव जमाल नगर का रहने वाला बताकर घर में घुसे। वहीं लुटेरे चोरों ने पत्नी और पुत्री को बंधक बनाकर घटना को दिया अंजाम। सूचना पर पहुंचे बंगरमऊ कोतवाली वसी गौरव कुमार। नीचे मालूम मेहमान आ गए, वही है देखा गुंडी बंद पड़ी बाहर गई। हाँ सर, गुंडी बार बंद तब खोला, ऊपर से गई देखा बाहर की मारे खोले, ऊपर चल के आए पोती हमारी सामने चिल्ला रही, चिल्ला रही था खोलो, तब के मारे खोला देखा भाई दुल्हन बंदी पड़ी, पोती मुंह बंदा पड़ा, ये हाथ बंदे पड़े, अधूल पैर सही बंदे पड़ी, पैर सही बंदे पड़े, घंटे पड़े। कितने की लगभग लूट हुई? दशहरा लाख की चोरी है भैया, मेरे आज थाना बांगरमऊ क्षेत्र के अंतर्गत गुलाम मुस्तफा क्षेत्र है, जहां पर नूर हसन नामक व्यक्ति के यहां कुछ परिचित के लोग आए और वहां पर जाकर चाय नाश्ता किया और इसके बाद उनके परिवारजनों को धमकाकर वहां उनका कुछ सामान जो था वो उठा ले गए हैं। इस संदर्भ में तहरीर ले ली गई है और पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।